हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम ग्राफिक्स का यूज़ करके एक हाउस को बनाएंगे यूजिंग ग्राफिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पैकेज इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार। यहाँ पर हमने स्टार लगाया, इससे यह होगा कि ए डब्ल्यू टी नाम की जो पैकेज है इसके अंदर के जितने भी क्लास हैं वे सारे इसमें एक्सेस हम कर सकते हैं बिना उसके नेम के, उन क्लासेस के नेम के बिना हम उसे एक्सेस कर सकते हैं स्टार लगाने से। फिर हमें एक इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, इवेंट नाम की पैकेज के अंदर जितने क्लासेस हैं वे सारे हम एक्सेस कर सकते हैं स्टार लगाने से। इसके बाद हम यहाँ से अपनी प्रोग्राम शुरू करते हैं। पब्लिक क्लास से हमने इसका नाम लिख लिया, मान लेते हैं डेमो 12। और यह डेमो 12 जो है वह इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी किसकी, फ्रेम क्लास की। ये फ्रेम क्या है, जैसे हम यहाँ पर एक अभी बना कर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये होता क्या है। यह फ्रेम पैकेज जो है, सॉरी, यह जो क्लास है यह इस पैकेज के अंदर होती है, होल्ड होती है, जहाँ से हम इस पैकेज का नाम लिख के जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार नाम की पैकेज लिखकर हम इसे क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने स्टार लिख दिया कि हमें बहुत सारे पैकेजेस का यहाँ यूज़ करना होगा, तो हम इसके लिए सिंपल सा स्टार लगा दिया मैंने। फिर हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं डेमो 12 टाइप का। जैसे हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वह क्लास के नाम की तरह ही होता है, तो हमने यहाँ पे जो क्लास है वह डेमो 12 लिया है। डेमो 12 जब हमने क्लास लिया है जो कि प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है किस क्लास के, फ्रेम क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ डेमो 12 नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। इसमें हम कुछ मेथड्स लिखेंगे, जैसे हमें फ्रेम क्रिएट करना है तो फ्रेम पहले तो अगर हम यह तो फ्रेम हमारा इनविजिबल रहेगा, लेकिन यह मेमोरी में रहेगा लेकिन यह इनविजिबल रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पे सेट विजिबल नाम का ये कोड लिखना पड़ता है। इसके अंदर हम एक बूलियन वैल्यू पास करेंगे जो कि ट्रू होगी, अगर हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे तो फ्रेम बनकर आएगा ही नहीं। फिर हम यहाँ पे उस फ्रेम की साइज सेट कर देते हैं, सपोज दैट हम यहाँ उस फ्रेम की साइज 1000, 600 सेट कर दिया मैंने। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे हम उस फ्रेम की बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड से मतलब है कि हम उस फ्रेम का कलर सेट करेंगे कि वह फ्रेम किस कलर में वहां पर डिस्प्ले होगी। या हम लिखते हैं इसके अंदर, पास करते हैं वैल्यू, मान लेते हैं हम चाहते हैं कि हमें ब्लू कलर की फ्रेम डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ कलर डॉट ब्लू नाम का लिख देते हैं। फिर हमें जो घर बनाना है उसकी लाइंस किस कलर की होंगी, तो उसके लिए हमें यह लिखना पड़ता है सेट फोरग्राउंड। इसके अंदर भी हम यही वैल्यू यही पास करते हैं कलर डॉट, और हम कलर मान लेते हैं हम यहाँ वाइट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ वाइट डाल देते हैं। इसके फिर हम यहाँ से अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमने लिखा स्ट्रिंग ARGS में हम पास करेंगे वैल्यूज, आर्गुमेंट पास करने के लिए हमने कर दिया सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। और हमने यहाँ पर क्लास बनाया है डेमो 12 नाम का जो कि फ्रेम क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, तो हमें यहाँ पर इस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की वजह से इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जानते हैं जावा में, यहाँ से हम डेमो 12 क्लास का नाम, उसके बाद एक हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से डी ले लिया, उसके बाद से न्यू
कीवर्ड का यूज़ किया, फिर हम डेमो 12 क्लास का नाम जो कि एक कंस्ट्रक्टर है इसे पास कर दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, टर्मिनेट हो गया। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इस कोड को जब हम रन कराते हैं तो आता क्या है, होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम आपको पहले दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रेम डिस्प्ले होता है। तो हमने यह चीज़ डेस्कटॉप पे या फिर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है AWT नाम का, इसमें हम सेव कर देते हैं। फिर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, मैंने ई ड्राइव में सेव किया था AWT नाम के फाइल के फोल्डर के अंदर। फिर हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, डेमो कंपाइल हो गया और ये रन। यह एक फ्रेम यहाँ क्रिएट हो गई जिसका कलर ब्लू है और हमने इसकी साइज सेट की थी 1000 और 600। तो यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट हो गई। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रेम को क्लोज करना। यह फ्रेम तो क्लोज हो नहीं पा रहा है, भले ही यह मिनिमाइज हो जा रहा है, इसकी साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन यह फ्रेम क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें एक कोड लिखना पड़ता है, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं उसे। इसके अंदर हमें पास करना पड़ता है वैल्यू न्यू विंडो एडाप्टर, उसके बाद यह एक हमने बना लिया। इसके बाद हम यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हमने एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक वाइड विंडो क्लोजिंग नाम का। इसके अंदर हमें कुछ आर्गुमेंट पास करना रहता है, पास करते हैं विंडो इवेंट, हम या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि यह एक वेरिएबल टाइप का है। इसके बाद हमें सिस्टम को क्लोज करने के लिए सिस्टम डॉट एक्सिट नाम का, क्योंकि यह वाइड टाइप का है तो यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने पहले हम चेक कर अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, हमने लगा दिया एक हमने सेमी कोलन लगा दिया और यहाँ से हमने अपने कंस्ट्रक्टर को भी क्लोज कर दिया, तो सारे ब्रेसेस सही हैं। तो इसके बाद होगा क्या, अगर मैं इसे सेव करके फिर पहले ये फ्रेम हमें हटाना, हट नहीं सकता है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पूरा क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करके हम लिख देंगे, यहाँ से हम ई फोल्डर खोल लेंगे ई नाम का, फिर हम यहाँ से इंटरप्रेट करते हैं अपने प्रोग्राम को। क्लास हमने इस नाम से सेव किया था, यह इंटरप्रेट हो गया, बिल्कुल इंटरप्रेट हो गया, कोई एरर नहीं। फिर यहाँ से हम इसे रन करा लेते हैं, तो यह हमारा फ्रेम आ गया। अब हम इसे क्लोज करना चाहें तो यह फ्रेम क्लोज हो जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिखा, बस ये छोटा सा कोड है, इसे आप देख ले समझ लेंगे, इसे मैं बाद में बताऊंगा, यह सारी चीज़ें बाद में आएंगी, एडाप्टर क्लास ये सब चीज़ें विंडो क्लोजिंग ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम है कि हम यहाँ एक हाउस बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक मेथड दिया गया है पब्लिक वॉइड पेंट टाइप का, जिसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं ग्राफिक्स नाम का,
इसका हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे जी हमने ले लिया, सपोज कर लिया, इसके बाद हमने बनाया, इसके बाद हमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें लिखना पड़ता है यहाँ। जैसे हमें एक हम यहाँ पेंट खोल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे रूलर खोल लिए, जैसे रूलर आपको खोलना होगा तो व्यूज पे जाके यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर हमें एक घर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन बनानी होगी। जैसे हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ से एक हमने लाइन बनाई, फिर एक लाइन बनाई, यहाँ से एक लाइन बनाई, तो यह हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे हमें लाइंस बना के आप यह चीज़ पेंट पर यूज़ करके रूलर की मदद से चेक कर लेंगे कि कैसे हमने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है। मतलब साइज़ आप देख लेंगे किस तरह का साइज़ हमें लेना है। वैसे मेरी पेंटिंग बहुत बेकार होती है तो मैं पेंटिंग बहुत बेकार ही करूँगा। तो ऐसा एक घर यहाँ पे हमें बनाना होगा, तो ये रूलर की मदद से हम यहाँ पे देख लेंगे। खैर ये चीज़ हम मैंने पहले से ही सेलेक्ट करके रखी है कि हमें कितनी साइज लेनी है सारे लाइंस की, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं। तो हमें यह जो मेथड्स हमें दी गई हैं, इसके अंदर लाइन फंक्शन दिया गया है, रेक्टेंगुलर नाम का एक दिया गया है मेथड, तो यह सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करनी होंगी। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसे कॉल करेंगे, तो हमें लिखना पड़ता है, इसके सिंटेक्स होते हैं ड्रॉ लाइन, एक लाइन यहाँ क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमें चार वैल्यूज पास करनी होती है, x1, y1, x2, y2, तो यह हमें एक देना होता है, ठीक है, हम इसकी मदद से समझ सकते हैं। जैसे यह एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमें देख रहे हैं कि यह जो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, इस लाइन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह 100 से हुई है, और एक्स एक्सिस के हिसाब से और वाई एक्सिस के हिसाब से इस लाइन की स्टार्टिंग 50 पर हुई है। तो हम यहाँ पे एक्स वन कंसिडर कर लेंगे 100, वाई वन कंसिडर कर लेंगे 50, और वैसे ही यहाँ ये लाइन कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20 आ रही है, x2 जिसे हम यहाँ पर कहेंगे, और y की वैल्यू यहाँ पर 100 आ रही है, इसे हम y2 कहेंगे। इस हिसाब से हमें बनाना होगा, तो हमें लिखेंगे g.drawLine, इसमें हम वैल्यू देते हैं 100। तो यह मैंने पहले से लिखी हुई है, तो ताकि ज़्यादा समय आपको इस लेक्चर में ना लगे, सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली, इसे हम सेव करके और इंटरप्रेट करके देखते हैं, रन कराकर यह सही लिखा है कि नहीं। सॉरी, डेमो 12.java, बिल्कुल ये इंटरप्रेट होगा प्रोग्राम एब्सोल्यूट, लेकिन यहाँ पर एक एरर डिस्प्ले होकर आ गई। यह एरर है क्या, इसे आपको हम समझाना चाहते हैं। सॉरी, यह जो मैंने कमेंट लिखा है यह एरर करके आ गया है, इससे मैं हटा देता हूँ यार, इससे कोई मतलब नहीं है, यह कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन यह प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल और इंटरप्रेट जरूर होगा। इंटरप्रेट प्रोग्राम बिल्कुल हुआ, और मैं इसे रन कराता हूँ। बिल्कुल ये प्रोग्राम रन भी हुआ। यहाँ पर देखिए एक वाइट कलर से करते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई है, जिसके मैंने साइज अपने हिसाब से मैंने ली है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं साइज एमएस पेंट का यूज करके। तो यहाँ से हमने साइज ली है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम दूसरे बार फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जो कोडिंग होती है वो मैं लिखूंगा, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ 100, 50, 200, 100।
एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करा जाएगी, फिर हम यहाँ से डायरेक्ट अब इंटरप्रेट करके देखते नहीं हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट अब लिखते जाते हैं। जितनी लाइन्स हमें बनानी है वो सारी लाइन्स हम यहाँ से लिख देंगे, ये सारी लाइन्स क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लगातार लिखते जा रहा हूँ कोडिंग्स, तो कुछ देर में मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। असल में मैंने ये कोडिंग पहले से की हुई नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम इसलिए लग रहा है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको कोई टाइम ज़्यादा ना लगे आपकी, मैं जल्दी जल्दी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 200 होगा और या 300 होगा। मैं चाहता हूँ मैं सारी लाइंस ड्रॉ कर लूँ ताकि मैं आपको आसानी से एक ही बार में मैं समझा सकूँ, तो मैं सारी लाइंस जल्दी जल्दी लिख कर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिफ्टी, थर्टी, हंड्रेड, सेवेंटी, खैर मैंने यही कोशिश की है कि आपको कोई परेशानी ना हो, मैंने सबसे इजी वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि आप अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पर हमने इतने कोड्स लिख लिए हैं, अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव किया मैंने, फिर मैं इसे इंटरप्रेट, सॉरी, इस फ्रेम को पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर यह प्रोग्राम इंटरप्रेट और रन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे जेवेक डेमो 12.java नाम का, मैंने इसे इंटरप्रेट किया, ये इंटरप्रेट हो गया और इसे मैं रन करता हूँ अब। एब्सोल्यूट ये रन भी किया, लेकिन ये देखिए ये यहाँ क्या बनकर आ गया। इससे यह मैटर नहीं करता है, खैर इस लाइन को हम यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये जो यहाँ से घर बनकर आया, ये जो आप चाहते थे, यहाँ से बिल्डिंग की छोटी सी चीज तैयार हो गई है न्यू। हमने यहाँ पर कोडिंग्स लिख लिया, मैंने सारी कोडिंग्स कर ली हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक हमने यहाँ मेथड यूज़ किया है ड्रॉ रेक्ट, इसमें हमने वैल्यूज़ पास की हैं। तो इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं वो यह है, होता है आपका एक्स एक्सिस पे कितने पर होगा, वाई एक्सिस पर कितना होगा, उस रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा और उसकी हाइट कितनी होगी। रेक्टेंगल में यही चार चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बना कर दिखा भी देता हूँ।
से रेक्टेंगल आप बनाते हैं तो आप एक यहाँ से लाइन खींचेंगे, जैसे मैं यहाँ ये है, ये रेक्टेंगल हमने बनाया, तो ये रेक्टेंगल जब बना तो ये देखिए, ये इसकी एक्स एक्सिस पे दूरी 400 है, लगभग 400 है, और वाई एक्सिस से इसकी दूरी जो है वह लगभग 60 पर है, तो यह चीज़ बनी। फिर हम इसकी विड्थ देखते हैं, तो इसकी विड्थ जो है 740 तक जा रही है, ये जो है यह विड्थ है, ये जो है यह विड्थ है, ठीक है, यह चीज़ जो है ये विड्थ है, और यह जो है ये हाइट है, ये जो चीज़ है ये हाइट है, तो ये हाइट है और ये विड्थ है। तो ये हाइट हम देख लेते हैं कहाँ तक आ रही है, तो ये हाइट आ रही है आपकी एक्स एक्सिस पे आ रही है 740 और वाई एक्सिस पे आ रही है 260। तो इस हिसाब से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो रेक्टेंगल में यही सब चीज़ें पास होती हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ रेक्ट नाम का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर एरर दे देगा, सॉरी मैं नीचे कर लेता हूँ जी, जो है इसे भी मैं नीचे कर लेता हूँ, और मैं इसे अब सेव करता हूँ, और मैं इसे अब इंटरप्रेटर रन कराऊंगा, डेमो 12.java इंटरप्रेट। एक एरर आ रहा है, कहीं छोटा सा एरर हो गया होगा, छोटी सी एरर यहाँ पर देखिए, यह हो सकती है छोटी मोटी एरर्स, अब एरर्स नहीं आनी चाहिए, सॉरी आपको इस चीज़ के लिए परेशानी हुई। अब इंटरप्रेट मैं इसे कराता हूँ, डेमो 12.java, बिल्कुल इंटरप्रेट इसे होना ही था, डेमो 12। अब इसे मैं रन कराता हूँ, देखिए एक सुंदर सा यहाँ पर हाउस आकर डिस्प्ले हो गया, वैसे तो इसे हम हट कहते हैं, अगर मैं यहाँ हाउस कह रहा हूँ, यहाँ पर एक दरवाजे यहाँ खिड़कियाँ, तो यह सब चीज़ें आई कैसे। तो यहाँ पर हमने इसकी कोडिंग की हुई है, ये जी डॉट ड्रा लाइन जो है यह इस मेथड के अंदर डिफाइंड होता है, यह सब सारी कोडिंग्स हैं इसकी। तो उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। एक चीज़ मैं और आपको इसमें समझाना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा इस चीज़ के बारे में आपको नहीं समझाया है, तो प्रोग्राम आप जानते हैं कि यह हमेशा मेन से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो यहाँ से मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, एग्जीक्यूट होके अंदर आएगा मेन बॉडी के अंदर, इसने देखा कि एक डेमो 12 नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसका, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसके बाद यह इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएगा, इसके बाद यह सारी कोडिंग्स रन करेंगी, जब ये रन कर जाएगा तो बचा हुआ लाइन यह रन करेगा, तो यह सारी चीज़ें फिर रन करेंगी और आपका यह सुंदर सा डिस्प्ले हो जाएगा, हाउस एक्चुअली हट है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।